ये हमारे लिए खास क्यों हो जाता है बोहर का एटॉमिक मॉडल? ठीक, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दुरुस्त किया गया। ठीक है, किसने दुरुस्त किया? बोहर ने दुरुस्त किया। तो इसका जो पहला पोस्टुलेट है, जो पहला प्रतिपादन है, वो क्या है? ये कहता है एवरी एटम, मैं लिखूंगा इस बात को, आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? एवरी एटम, ठीक है, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर, अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस ऑन विच, या एट विच आप कह सकते हैं, एट विच द टोटल पॉजिटिव चार्ज, एट विच द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट टोटल मास इज बीइंग कंसंट्रेटेड। दूसरी बात क्या कही? द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, या द इलेक्ट, या लिखेंगे इस तरह से, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली, हाँ पहला पोस्टुलेट थोड़ा बड़ा है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व्स इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स सच दैट, ठीक है, या आप लिख सकते हैं एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो ये पहला पोस्टुलेट है दोस्तों, इस पहले पोस्टुलेट को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए इस पहले पोस्टुलेट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं अब इसको हिंदी भाषा में लिख देता हूं। क्या कह रहे हैं? सभी परमाणुओं में, मजा आने वाला है आज की क्लास में, ध्यान से देखते रहिए। सभी परमाणुओं में एक केंद्रीय कोर होती है, एक केंद्रीय कोर होती है। कोर का मतलब क्या होता है? जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जो मतलब किसी भी चीज का सेंटर वाला हिस्सा होता है, उसे हम कोर कहते हैं। सभी परमाणुओं में एक केंद्रीय कोर होती है जिसे जिसे नाभिक जिसे नाभिक कहते हैं जिसे नाभिक कहते हैं जिसे नाभिक कहते हैं। इस पर परमाणु का कुल धनावेश तथा कुल द्रव्यमान
केंद्रित होता है, कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिए जरा इसे, तथा ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक का चक्कर लगाते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते हैं तथा आवश्यक अभिकेंद्र बल तथा आवश्यक अभिकेंद्र बल आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण से प्राप्त होता है। देखो कितनी जरूरी बात है ये, कितनी जरूरी बात है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बोहर के एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट है। अब इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो कुल मिला के बोहर ये कह रहे हैं, अपने पहले पोस्टुलेट में ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी एटम होते हैं उनके अंदर एक सेंट्रल कोर होती है। क्या होती है? सेंट्रल कोर, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। और इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं कि जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, जो आवश्यक आपको अभिकेंद्र बल चाहिए, जो आपको आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो किसके बराबर होगा? वो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बराबर होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण के बराबर होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा वो क्या होगा? एमवी स्क्वायर बाई आर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? ई। और दूसरी बात कि भाई न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? नाभिक पे जेड ई। यहां जेड क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है, हिंदी में इसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और ऑर्बिट की रेडियस अगर आर है तो नीचे आर का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख सकते हैं, तो ये होगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये क्या है, ये बोहर के मॉडल का पहला पोस्टुलेट है, इसको याद रखिए, ठीक है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है आपका, इसको याद रखिएगा एज इट इज, ठीक है, कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि जो बोहर का पहला पोस्टुलेट है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसकी गणितीय व्याख्या क्या है उसकी। तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है ये, सेंट्रिपिटल फोर्स किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बराबर है, ठीक है। अभी इसका यूज करेंगे हम लोग, बताएंगे आपको। बात करते हैं बोहर के सेकंड पोस्टुलेट की, बोहर के मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट, जरा दे ध्यान से समझिएगा इस बात को। पोस्टुलेट नंबर टू, पोस्टुलेट नंबर टू जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रतिपादन, ठीक है। जो सेकंड पोस्टुलेट है बोहर के मॉडल का वो क्या है? बोहर ने ये कहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस,
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन नॉन रेडिएटिंग, ध्यान से समझिएगा, इन नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी, नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स, नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स कॉल्ड बोहर ऑर्बिट्स, कॉल्ड बोहर ऑर्बिट्स सच दैट देयर एंगुलर मोमेंटम, सच दैट देयर एंगुलर मोमेंटम, देयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड या इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर एच अपॉन 2 पाई। ये बात याद रखिएगा, बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा, बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा, यह बात हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन, बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन गैर उत्सर्जी, बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन गैर उत्सर्जी स्थायी कक्षाओं में, गैर उत्सर्जी स्थायी कक्षाओं में, स्थायी कक्षाओं में नाभिक का चक्कर लगाते हैं, गैर उत्सर्जी स्थायी कक्षाओं में नाभिक का चक्कर लगाते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते हैं जिन्हें जिन्हें बोहर कक्षाएं कहा जाता है, जिन्हें जिन्हें बोहर कक्षाएं कहा जाता है, बोहर कक्षाएं कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा, ध्यान से समझिए, आज बोहर का मॉडल समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और क्या कहा, इन कक्षाओं में, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपॉन 2 पाई का एक पूर्ण गुणज होता है, का एक पूर्ण गुणज होता है। ये बात आपको समझनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बोहर अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं, बोहर ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता है जैसे रदरफोर्ड कह रहे थे, रदरफोर्ड के मॉडल में कमी थी कि वो इस चीज को नहीं समझा पाए थे कि क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ठीक है। उन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता है, ये किसके अकॉर्डिंग था, ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल ये बता रहा था। लेकिन बोहर का मॉडल क्या कह रहा है, उन्होंने कहा कि ये जो कक्षाएं होती हैं ये स्थिर कक्षाएं होती हैं। कैसी कक्षाएं होती हैं, स्थिर कक्षाएं, ठीक है, ये होती है स्टेशनरी ऑर्बिट। ये किसने कहा था, ये बोहर्स मॉडल है। और लोगों ने कहा कि बोहर एक बात बताओ, इन कक्षाओं की पहचान क्या है, इन ऑर्बिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम कहेंगे कि ये ऑर्बिट बोहर ऑर्बिट है। तो उन्होंने कहा कि इन ऑर्बिट्स में क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कि MVR, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है,
एनएच अपॉन टू पाई के बराबर होता है। यहां एन क्या है, यहां एन क्या है लिख दीजिए जरा जल्दी से। वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है, एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं एन एक मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको याद कर लीजिए। और इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, एन कहां से स्टार्ट होगा, एन स्टार्ट होगा आपका यहां से, देखिए जरा ध्यान से, एन कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 सो ऑन ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यही वो पोस्टुलेट था, बोहर का पोस्टुलेट, जिसने इस बात को साबित किया, जिसने इस बात को साबित किया कि जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी, ठीक, वो कमी ये थी कि रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन का पाथ स्पाइरल है या नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, ठीक है। और उस स्टेबिलिटी के जो का कॉन्सेप्ट जो था उसको क्लियरली एक्सप्लेन किसने कर दिया, बोहर ने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है, जो कोणीय संवेग है, वो कैसा है, वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हर बदल, नहीं, उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम या तो एच अपॉन टू पाई होगा, या 2H/2π होगा, या 3H/2π होगा, यानी कि यहां पर कक्षाएं, यानी कि जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसी हैं, स्टेशनरी हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो वो किसी भी तरह की एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, उत्सर्जित नहीं करेगा, ठीक है। तीसरे पोस्टुलेट पे चलते हैं जो कि बोहर के मॉडल का अंतिम पोस्टुलेट है, लास्ट पोस्टुलेट की हम बात करते हैं, पोस्टुलेट नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जान लीजिएगा जरा, पोस्टुलेट नंबर 3, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिपादन संख्या 3, ठीक है। तो देखिए पोस्टुलेट का मतलब होता है बेटे जो कथन किसी ने कहा हो, कोई स्टेटमेंट अगर किसी ने दी हो, ठीक है, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर किसी ने कोई चीज कही है, ठीक है। तो देखिए जरा स्पेलिंग ठीक कर देते हैं उसकी, चलिए अब जरा पोस्टुलेट नंबर 3 की बात करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 में क्या कह रहा है बोहर, क्या कह रहे हैं बोहर, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जंप, इलेक्ट्रॉन में जंप टू अपर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन में जंप टू अपर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग एनर्जी, और ठीक है, और इट में जंप, और इट में जंप्स, और इट में जंप्स टू लोअर एनर्जी, टू लोअर एनर्जी लेवल, टू लोअर एनर्जी लेवल बाय इमिटिंग एनर्जी, बाय इमिटिंग एनर्जी। कितनी खूबसूरत बात कही है, देखिए यहां पर कितनी खूबसूरत बात कही है, कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है, हिंदी में लिख देते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निम्न, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर, ऊर्जा को अवशोषित कर, ऊर्जा को अवशोषित कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा या उच्च स्तर में जा सकता है,
में जा सकता है तथा ऊर्जा को उत्सर्जित कर तथा ऊर्जा को उत्सर्जित कर तथा ऊर्जा को उत्सर्जित कर उच्च स्तर से निम्न स्तर में उच्च स्तर से निम्न स्तर में जा सकता है। कितनी खूबसूरत बात बताइए। देखिए यहां पर बोहर ने अपने तीसरे पोस्टुलेट में कितनी खूबसूरत बात बताई, बहुत खूबसूरत बात बताई है। क्या बात है? वो कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपर एनर्जी लेवल में है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है। ऐसे आ सकता है कब? जब वो एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। रेडिएट का मतलब क्या है? ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और नीचे से ऊपर जा सकता है जब वो एनर्जी को गेन करेगा। और जितना ये गेन करता है, या अब मान लीजिए डेल्टा ई एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी या डेल्टा ई एनर्जी इसने उत्सर्जित करी, तो डेल्टा ई जो होता है वो ई टू माइनस ई वन के बराबर होता है। यानी कि ये डिफरेंस जो होता है, कितना वो एब्जॉर्ब करेगा कितना वो इमिट करेगा, ये दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा। है, दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि जो आपका डेल्टा ई है वो आपका ई टू माइनस ई वन के बराबर होगा, चाहे वो नीचे से ऊपर जाए चाहे वो ऊपर से नीचे आए, तो जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा। ये तीन पोस्टुलेट याद रखिएगा। चलिए अब आ गया, एक बात बताता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात सभी लोगों को याद रखनी है, ठीक है। हैशटैग एग्जाम में आने वाली बात, एग्जाम में काम आने वाली बात। देखिए क्या है, एग्जाम में काम आने वाली बात यह है। सबसे पहली बात, बोहर रेडियस, ठीक है, बोहर्स रेडियाई हम लोग इनको कहते हैं। बोहर कक्षाओं की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग बोहर त्रिज्या। यानी कि जो बोहर की स्टेशनरी ऑर्बिट थी, उन स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है, उन स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है वो रेडियस क्या होता है? वो रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। वो रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। याद रखिएगा, ये सबसे जरूरी बात है, ये आपको याद रखनी है। यहां एन क्या है? एन आपको पता ही है, एन आपका नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से चलेगा। यानी कि अगर आप रेशियो लिखना चाहें, आप लिखना चाहें कि जो पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, जो आपकी तीसरी ऑर्बिट है, तो इन तीनों में रेशियो क्या है, इन तीनों में रेशियो कितना है, तो आप यहां पर रेशियो लिख सकते हैं। कितना होगा? 1:4:3:9, इस तरीके से सो ऑन, ये चलेगा। यानी कि 1:4:9, ठीक है। तो बोहर रेडियस जो होती है उसमें जो ऑर्बिट है आपका बोहर रेडियस, उसमें इस तरह से ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर में बहुत छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, और देखिए छोटी चीजों को करने का एकमात्र तरीका होता है कि अगर आप चीजों को ध्यान से एक बार समझ लो तो फिर आपको दोबारा जो है किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं होती। बात करते हैं वेलोसिटी का क्या रेशियो रहता है, तो बात करेंगे वेलोसिटी का रेशियो क्या रहता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, इन बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है, इन बोहर्स ऑर्बिट, तो हम कहेंगे बोहर कक्षाओं में, बोहर कक्षाओं में, बोहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग, बोहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। जरा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ कि जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं बोहर ऑर्बिट में, बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, तो उसके लिए क्या रिलेशन है? उसके लिए रिलेशन याद कीजिएगा, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन। और एन तो आपको पता ही है, एन तो आपको पता ही है, वेयर एन कितना है, एन आपको 1, 2, 3 सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। यानी कि ऑर्बिट का रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा, अगर आप एन को 2 ले रहे हैं तो, एन को 2 ले रहे हैं तो ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा बड़ा है, ऑर्बिट का रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो उतनी ही कम होगी। यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ऑर्बिट के साइज बढ़ने से क्या होगा, ऑर्बिट के साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ऑर्बिट के अंदर वो वेलोसिटी घटती चली जाएगी, वो वेलोसिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम से जुड़ी हुई कुछ बातें, हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि पेपर में ये बात तो बहुत ज्यादा ही पूछता है आपसे, ठीक है। तो डबल हैशटैग लगाएंगे, डबल हैशटैग एग्जाम वाली बात याद रखिएगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये बात आप याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु, उसकी पहली कक्षा की त्रिज्या आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन परमाणु, तो जो हम बात करेंगे रेडियस जो होगी, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट यानी कि पहली बोहर कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, यानी कि पहली बोहर कक्षा की त्रिज्या, ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर आप इसको याद कर लेंगे पेपर में बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको। पहली बोहर कक्षा की त्रिज्या, पहली बोहर कक्षा की त्रिज्या, तो जो हाइड्रोजन एटम है उसकी, उसके अंदर जो पहला ऑर्बिट है, यानी कि एन इज इक्वल टू वन की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम में हम जानते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी जो पहली कक्षा है यानी कि एन इज इक्वल टू जो वन है, यानी कि इसका जो इनर मोस्ट ऑर्बिट आप कह सकते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है, डेटा याद कर लेंगे, इसको हम आर नॉट से डिनोट करते याद रखिएगा, ठीक है, आर नॉट, सो आर नॉट इज इक्वल टू, अगर किसी को याद हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि भाई इनर मोस्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। चलो अगर आपको याद नहीं है तो ये होता है 0.53 एंगस्ट्रम, कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रम, ये बात आपको याद करनी है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो पहली ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है ये भी याद रखिएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, इन फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट, जो पहली बोहर ऑर्बिट है, ठीक है, पहली बोहर कक्षा में, पहली बोहर कक्षा में, पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, इसका नंबर भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग, जो पहली आपकी बोहर कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, v बराबर, याद रखो मेरे साथ,
क्या याद रखो, V बराबर कितना, C अपॉन 137 इंटू 1 बाई एन। देखिए V जो है N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन C यहां पर क्या है, C जो है यहां स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये बात याद रखिएगा, यहां C क्या है, C है आपका स्पीड ऑफ लाइट, C क्या है, C है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल। ठीक है, तो ये दो डेटा बच्चा याद रख लो, ये दो डेटा अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता कि पेपर में आपको होने वाली है, ये दिक्कत परेशानी जो है सारी की सारी दूर कर देगा अगर आप ये चीज याद कर लोगे, अगर आप ये चीज याद कर लोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक, अब ध्यान से समझो, ये तो थी एग्जाम वाली बात, सर एक बात बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कैसे निकालें, कभी कभी टाइम पीरियड का रेशियो भी पूछ लेता है, तो कोई बात नहीं, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बोहर रेडियस पढ़ लिया कि बोहर रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, हमने पढ़ लिया कि भाई अगर एनवी कक्षा है यानी कि एनथ जो ऑर्बिट है उसमें वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होगी। सर अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो क्या होगा, टाइम पीरियड पूछ ले तो क्या होगा, सर ये भी बता दो जरा। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, इन बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है, बोहर कक्षाओं में जो आवर्त काल है उसका क्या रेशियो रहता है। ठीक है, हम कहेंगे बोहर कक्षाओं में, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, बोहर कक्षाओं में, बोहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, बोहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल, इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, वो टाइम जो इलेक्ट्रॉन ने लिया है टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, अपना एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइम को हम आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पहले जरा देखेंगे, पहले जरा थोड़ा सा तरीका देखिए क्या है, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v होता है, ये तो बात सही है भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर मैं यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दूं तो हमें पता है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है, जैसा कि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, हमें पता है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, अगर सारी चीज प्रोपोर्शनैलिटी में लेके चले तो r की जगह पर n स्क्वायर रख देता हूं और v की जगह पर 1/n, तो यानी कि टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो n की पावर 1/3 होगा। याद कर लीजिए, इतना जबरदस्त जो है ये फॉर्मूला है कि आपको बार बार बचाएगा, पेपर में गलती होने से आपको बचाएगा। ठीक है, सो t कितना होगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सर रेशियो अगर पूछ ले पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पीरियड का रेशियो अगर पूछ ले, मतलब T1:T2:T3 अगर पूछ ले, ठीक है, तो सर ये रेशियो तो हम लिख पाएंगे अब। ठीक है, n की वैल्यू को 1 डाले, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, 3 का कितना हो, 3 × 9 = 27, ठीक है, 27, इस तरह से ये रेशियो चलता रहेगा। ये बात आपको याद करनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी बात है ये आपके लिए, बताइए क्या ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि जो टाइम पीरियड का रेशियो होता है वो 1:8:27 इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा ये बात को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे
कि nth लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। एक और फॉर्मूला बताते हैं जो पेपर में आपकी जान बचाएगा, ठीक है, एग्जाम में आपकी जान बचाएगा, ठीक है, वो क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth लेवल, इन nth लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम, या ऐसे लिख दीजिए यहां पर फॉर हाइड्रोजन एटम। ये जो फॉर्मूला हम लोग आपको दे रहे हैं ये केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, nवे ऊर्जा स्तर में, nवे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, लेकिन याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल किसके लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही लागू किया जा सकता है, ठीक। हाँ, कोई दूसरा एटम अगर आ जाए तो उसके लिए भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो आपका बोहर्स मॉडल है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही सही है, यानी कि हाइड्रोजन के जैसे एटम, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, बहुत बड़े एटम्स के लिए ये कंसेप्ट जो है फेल हो जाते हैं। तो याद रखेंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला याद रखेंगे हम, याद रखेंगे कि जो EN है यानी कि nth लेवल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है वो -13.6 बाय एन का स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना फेमस फॉर्मूला है, याद रखना है, फेमस फॉर्मूला है। तो अगर आप बात करेंगे एन इज इक्वल टू वन की, अगर आप एन इज इक्वल टू वन की बात करते हैं, एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है इसे हम मूल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, यानी कि ई वन, एन को वन रख देंगे तो -13.6 eV आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, -13.6 eV आपका आंसर आएगा। अगर आप एन को यहां पर टू रख दें तो एन इज इक्वल टू जो टू होता है, याद करो एन इज इक्वल टू जो टू होता है इसे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जी हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको कहते हैं प्रथम उत्तेजन अवस्था। क्या कहते हैं, प्रथम उत्तेजन अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो प्रथम उत्तेजन अवस्था है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो आप यहां पर एन को दो रखेंगे, सो एन को जैसे ही आप दो रखेंगे -13.6 बाई कितना हो जाएगा, 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12, ठीक है, माइनस का 3 बचा कितना आपका 1, 4 चौको 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर अगर एन को 3 रख देंगे तो क्या होगा, सर एन को 3 रख देंगे तो क्या होगा, एन को अगर आप यहां 3 रखोगे तो इसको बोला जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाता है, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको द्वितीय उत्तेजन अवस्था, ठीक है, क्या कहते हैं, द्वितीय उत्तेजन अवस्था कहते हैं, याद कीजिएगा, द्वितीय उत्तेजन अवस्था कहा जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर आप एन की जगह पर 3 रख देंगे, एन की जगह पर अगर आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -13.6, 3 3 9, अब जरा डिवाइड करेंगे, 9 1 9, ठीक है, -1 पॉइंट, ठीक है, बचा कितना आपका, 9 और 4 होता है 13, तो वो कितना हो गया आपका 46, 9 5 45, ठीक है, 9 5 45, 1 पॉइंट कितना, 5, ठीक है, बताओ जरा 1.51, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। बस एक लास्ट वाला याद रख लेना, एन इज इक्वल टू 4 वाला, ठीक है, 4 तक याद रखना, बाकी बाकी तो डिवाइड कर लेना अगर एग्जाम में आया तो। मैं एन को जो है 4 रख के देखता हूं जरा। एन को अगर मैं 4 रखूंगा, ठीक है, एन को अगर मैं 4 रखूंगा, एन इज इक्वल टू 4, तो एन इज इक्वल टू 4 को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसको बोला जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसको बोला जाता है तृतीय, क्या बोला जाता है, तृतीय उत्तेजन अवस्था, तृतीय उत्तेजन अवस्था, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो चलो अगर मैं एन को 4 रख दूं यहां पर, अगर मैं एन को 4 रख दूं तो E4 कितना होगा, -13.6, 4 चको हुआ 16, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आएगा। तो ये 4 डेटा याद रख लेना, ये 4 डेटा पेपर में काम आ जाएंगे आपके। अगर आप पहले से ही इनकी जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड याद कर लो तो चीजें आपके लिए क्या होंगी, थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझो जरा, इंपीरिकल फॉर्मूला समझो जरा। एक और नोट ले लीजिए एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए एक और नोट ले लीजिए। ये देखिए हैशटैग एग्जाम में आएगा, हैशटैग एग्जाम में आएगा। क्या है एग्जाम का नोट जो कि पेपर में आने की संभावना पूरी की पूरी बनी रहती है। याद रखिएगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन N2 लेवल से, N2 लेवल से N1 लेवल में जंप कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर N2 लेवल से N1 लेवल में जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो आपको पता है कि एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है, यानी कि उत्सर्जित करेगा। जो रेडिएशन होगी, जो ये रेडिएशन इमिट करेगा, उस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना होगा, उस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना होगा, याद करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, यानी कि उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। फॉर्मूला याद कीजिएगा, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित विकिरण, जी हिंदी में क्या लिख रहे हैं, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, जो मतलब रेडिएशन ये इमिट करेगा उसका लैम्डा कितना होगा। तो फॉर्मूला याद करेंगे मेरे साथ, क्या याद करेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल आर, 1 बाई N1 का स्क्वायर -1 बाई N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी लोगों को याद होना चाहिए। 1 बाई लैम्डा को एक नोट ले लीजिए, एक नोट ले लीजिए, 1 बाई लैम्डा को हम न्यू बार कहते हैं, और इसको जो है वेव नंबर भी कहा जाता है, इसको वेव नंबर भी कहा जाता है। वेव नंबर यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको तरंग संख्या के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें आर क्या है, आप पूछोगे कि सर इसमें आर क्या है, सर इसमें आर किस चीज को बता रहा है, तो इसमें आर है रिडबर्ग कांस्टेंट। आर किस चीज को बता रहा है, आर है 1.097 × 10^7 पर मीटर। सर इसका नाम क्या है, सर इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। सर इसका डायमेंशन L^-1 होता है, पेपर में पूछ लेता है, तो नाम याद करो, इसका नाम क्या था, इसका नाम था रिडबर्ग नियतांक। क्या नाम है इसका, इसका नाम है रिडबर्ग नियतांक। याद हो गया, याद हो गया, तो ये बहुत ही जरूरी बात है, रिडबर्ग कांस्टेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की,
और वो अच्छी बातें जुड़ी हुई थी किससे, बोहर के मॉडल से। ठीक है, तो आज की कक्षा को आप जो है क्या कीजिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग से उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें याद कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है बोहर मॉडल की। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है। लेकिन बोहर मॉडल से जुड़ी हुई इतनी बातें तो सभी लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।